हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आई एक्सैम्बी आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अर एग्जामिनेशन शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है फोर्टीन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो एज़ यू नो द फ्रेंड्स द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेट वुड बी रिमेंबर्ड टिल एटर्निटी बिकॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विधाता हैं आज उनका एनिवर्सरी है डॉक्टर अम्बेडकर राइट तो सो सो द डेट इज स्पेशल टू विद दिस नोट लेट स्टार्ट न्यूज ऑफ डे। सो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्मॉल फार्मर्स तो देखो ये मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला है राइट right? अभी तक किया नहीं है तो सम न्यूज़ यू नो विच आर ओनली इम्पॉर्टेंट एज एज एन इंफॉर्मेशन क्योंकि आपको एक परस्पेक्टिव डेवलप करना है ओवर द इकोनॉमी फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम इस्पेली दोज एग्जाम वे यू हैव टू राइट एस ए प्रीसी एंड डिस्क्रिप्टिव एंड यू विल हैव टू गिव इंटरव्यू वैसे एग्जाम्स के लिए ना यू हैव टू डेवलप ए परस्पेक्टिव और प्रस्पेक्टिव कब आएगा जब आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन पता है सो so, देखो ये अगर मैं एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ दिस इज समथिंग दैट दे आर थिंकिंग तो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक गवर्नमेंट जो ऐसा सोच रहा है कि जो प्रीमियम पे करे स्मॉल फार्मर्स से अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी में तो ये सिंपल सा बात है कि देखो अगर एक स्मॉल फार्मर पूरे साल भर में हज़ार रुपये पे करता है थिंक अबाउट अ स्मॉल फार्मर तो उसके लिए हज़ार रुपये भी इज ए वेरी गुड अमाउंट इट्स अ मॉड्यूट अमाउंट आई वुड नॉट से इट्स अ बिग अमाउंट बट इट्स अ मॉड्यरेट अमाउंट तो ये हज़ार रुपये अगर उसका बच रहा है किसान का तो मतलब उसका परचेसिंग पावर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ये जो पैसा है ये पैसा कहाँ खर्च होगा ऑब्वियस सी बात है या तो सेविंग्स में होगा या तो कुछ इकोनॉमी में होगा मतलब कुछ भी है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट जो स्मॉल फार्मर है ना उनके लाइफ पे पड़ेगा एंड ये स्टेट जो स्टेट का बजट है उस पर कितना कॉस्ट डालेगा रुपीज़ ट्वेंटी फाइव टू थर्टी करो तो अगर आप स्टेट बजट की भी बात करो पच्चीस से तीस करोड़ स्टेट के लिए कुछ नहीं है बट अगर एक फार्मर का एक मॉडरेट अमाउंट बचता है देन इट वुड बी ए ग्रेट हेल्प टू दैट फार्मर सो ऐसा कौन सोच रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं एक सिंपल सा बात है जिसके पास दो हेक्टर से कम का ज़मीन है दो हेक्टर या उससे कम का ज़मीन है उसको स्मॉल फार्मर बोलते हैं और सोचो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है तो मतलब किस तरीके से फार्मर सिक्योर्ड है मतलब इन इन एनी चांस अगर किसी भी नेचुरल क्लेमिटी या दूसरी किसी वजह से अगर इनका फार्म का जो भी प्रोडक्ट है आउटपुट है वो खराब हो जाता है तो इनको इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा तो इसका मतलब दी फार्मर का जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो ऑलमोस्ट सिक्योर्ड हो गया महज पच्चीस से तीस करोड़ में सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि अगर हम किसान को बोलेंगे कि आप जाके करो इंश्योरेंस तो हाई चांस है कि ये छोटे फार्मर्स नहीं करेंगे बिकॉज उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ेगा इवन इफ देर आर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जहां पे स्कीम्स के थ्रू उनको ये बेनिफिट मिल रहा है बट दिस इज समथिंग डायरेक्ट बेनिफिट वो अमाउंट जितना भी हो छोटा बड़ा इट डजेंट मैटर अमाउंट सीधा सीधी कौन पे करेगा गवर्नमेंट पे करेगा मतलब वो अमाउंट तो किसका बच रहा है किसान का बच रहा है ना अब किसान के पास देर इज नो रीजन फॉर रिलेक्टेंसी टू टेक इंश्योरेंस अब वो इंश्योरेंस लेंगे ही एंड बाई चांस क्रॉप के साथ कुछ होता है तो दे आर कवर्ड ठीक है तो दोनों तरफ से किसान का बेनिफिट है सो so, चलो इस न्यूज को हमने कर लिया डी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ वो है डी एम आर सी इज लोएस्ट बीडर फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन थ्री तो देखो कई बार ऐसा न्यूज़ ना आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये मुंबई मेट्रो लाइन है अब सोचो मुंबई मेट्रो लाइन का मेंटेनेंस दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगा मतलब अगर आपके पास ऑप्शन में आए एंड आपको मान के चलो पता नहीं है ना यू वोंट थिंक कि डी एम आर सी आंसर में हो ही सकता है क्योंकि ये ऑल टूगेदर मतलब एक वेस्टर्न इंडिया है एक नो इंडिया है दोनों कंपनी कहां कहां पे हैं, दोनों ही मेट्रो कंपनी मतलब यू वोंट थिंक तो ऐसे न्यूज को थोड़ा सा डीपली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डी जो है ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेगा मुंबई मेट्रो लाइन थ्री का सो दिस कंपनी हैज़ बिकम द लोएस्ट बिडर चलो अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज में वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एसएसआई एस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर ऑलरेडी क्या एस्ट्रेजेनेका बना रहे हैं जो एस्ट्रेजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड का के नाइनटीन का कोविड शील्ड इंडिया के नाम से कोविड शील्ड जो कोविड शील्ड नाम का वैक्सीन लगा है वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका कोविड नाइनटीन वैक्सीन है जिसको सीलियम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया है और इंडिया में ये शील्ड ब्रांड नाम से चला है राइट तो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस ने टाइप किया है क्या हाई एफिकेसी ऑफ मलेरिया वैक्सीन मलेरिया का वैक्सीन बनाने के लिए दे हैव टाइड अप चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में वो है पूर्वोत्तर भारत रैली तो देखो ये जो न्यूज़ है इसमें कई बार ना माइन्यूट डिटेल्स आ जाते हैं सवाल में कि पूर्वोत्तर भारत रैली कहाँ कंक्लूड हुआ उमरोई मिलिट्री स्टेशन ये कहाँ से शुरू हुआ फोर्ट विलियम कोलकाता से शुरू हुआ ये कितने स्टेट में कवर हुआ ये नौ स्टेट में कवर हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ ट्वेंटी डेज तो ऐसे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने होंगे ठीक है चलो अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में वो है ट्वेंटी टू डेज एस सी ओ ऑथर कॉन्फ्रेंस कंक्लूड सक्सेसफुली देखो शंघाई कोपरेशन काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन uh, का ये ऑथर्स यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस है जो न्यू दिल्ली के लीला प्लेस होटल में मतलब न्यू दिल्ली में हुआ ये आपको याद रखना है और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज किसने किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में तो ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान देना होगा विद दिस लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिलीज ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्टेटिस्टिक डायरेक्ट टैक्स हमने दो दिन पहले भी न्यूज़ में पढ़ा था जो डायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट का जो रिवाइज एस्टिमेट था उसको भी क्रॉस कर गया है जो कि सोलह लाख करोड़ के आसपास का है तो वो न्यूज तो हमने देख लिया बट यहाँ पे अभी आप दो तीन इन्फॉर्मेशन देखो जो नया आया है जो टैक्स बॉयंसी है एट टू पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव टू ठीक है दिस इज दी हाइस्ट रिकॉर्डेड ओवर द लास्ट फिफ्टीन ईयर ये आपको याद रखना होगा अगर डायरेक्ट टैक्स टू जी देखोगे ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम फाइव टू टू फाइव तो ये याद करना होगा 2013-14 से मतलब फाइनेंशियल ईयर चौदह से लेकर फाइनेंशियल ईयर बाइस तक इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है फाइव से फाइव तो देखो यहाँ परसेंटेज टर्म में कम दिख रहा है लेकिन अगर आप इसको जी डी पी टर्म्स में एक्चुअल टर्म्स में देखोगे तो तब का जी कितना था कम था राइट एट ट्रिलियन के आसपास का जी था उसके बाद अभी का जी 2.7 ट्रिलियन के आसपास है तो इन दैट टर्म्स ये बहुत बड़ा अमाउंट है ठीक है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी रिड्यूस हुआ है पहले जीरो पॉइंट फाइव सेवन था अभी जीरो पॉइंट फाइव थ्री ऑफ टोटल कलेक्शन तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी कम हुआ है तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना होगा विद दिस लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज दी हेल्प प्रोग्राम तो देखो जो हेल्प प्रोग्राम है कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है उत्तराखंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड ये है क्या देखो ये बेसिकली क्या है इसका फुल फॉर्म है एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवलीहुड प्रोडक्शन तो इसमें जो लोग काम करेंगे प्रोजेक्ट हेल्प में वो लोग जो एनिमल uh, का डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए uh, मतलब काम करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिलेशन के लिए करेंगे राइट right? अंडर क्या अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन एनिमल्स का जो टैगिंग होता है एनिमल्स जो इंश्योरेंस होता है ये सारा काम ये करने वाले हैं। टैगिंग का मतलब ये होगा आपने देखा होगा काऊ का जो कान है उस कान में एक छोटा सा टैग लगाते हैं वो ठीक है दैट इज एनिमल टैगिंग विद दिस लेट्स मूव टू दी लास्ट न्यूज दैट इज अटल इनोवेशन मिशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन्होंने कोलाबरेट किसके साथ किया है अटल टिंकरिंग लैब कृषि विज्ञान केंद्र एंड ए टी एम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी तो देखो अटल टिंकरिंग लैब क्या काम करती है ये नीति आयोग का एक फ्लैगशिप मिशन है राइट जिसके अंडर में बहुत ही टेक्नोलॉजिकली साउंड लैब्स हैं अब इनको कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ दिया गया अटल टिंकरिंग लैब कहाँ पे है ये छोटे छोटे शहरों पे स्कूल्स पे है कृषि विज्ञान केंद्र भी छोटे छोटे जगह पे है विच एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन क्या बोलोगे देखो सिंगल विंडो एग्रीकल्चर नॉलेज रिसोर्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट सेंटर ये है के का फंक्शन तो के से ये सारा इनपुट लेके uh, जो ए टी है और uh, अटल टिंकरिंग लैब है ये सारा उस चीज़ को प्रोसेस करके एग्रीकल्चर इनोवेशन कर सकती है मतलब दे विल गेट दी फर्स्ट हैंड डेटा आफ्टर दिस कोलैबोरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है विद दिस वी आर डन फॉर द डे लेट्स मीट टूमारो मॉर्निंग वन सेकेंड टिल देन अनफो योर पोटेंशियल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यूर प्रिपेरिंग एंड ऑल बेस्ट आई कैन बी हेल्प यू प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट